देखिएगा बच्चों, आज हम प्रसार में किए गए कार्य से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ये न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि जब 2 मोल गैस नाइट्रोजन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 10 लीटर से 20 लीटर तक प्रसारित किया जाता है तो गैस के द्वारा कितना अधिकतम कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमें क्या दिया गया है। तो हमें ताप दिया गया है T = 25 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको हम केल्विन में चेंज कर लेंगे तो इसमें 273 जोड़ लेंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा। और N नंबर ऑफ मोल्स अपन को दिए गए हैं 2 मोल, ठीक है। और V इनिशियल दिया गया है आपको 10 लीटर और V फाइनल आपको दिया गया है 20 लीटर, ठीक है। और R का मान जो है हम लेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये दी गई हैं, कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए आपको ये वैल्यू दी हुई होंगी और इनको आप सबसे पहले तो आप जो टेम्परेचर को है केल्विन में चेंज करिएगा, उसके बाद फिर आप देखिएगा कितने मोल हैं और फिर वी इनिशियल और वी फाइनल आप लिख लीजिएगा और आर की वैल्यू आप जूल पर केल्विन पर मोल में लिख दीजिएगा। अब हम यह सूत्र का उपयोग करेंगे कि W = -2.303 NRT log V। अब यहाँ पर हम लिखेंगे V फाइनल बटा V इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा -2.303 इंटू 2 मोल इंटू, अब यहाँ मोल लिख दें अपन 2 मोल इंटू R। R की वैल्यू देखो आप कितनी हो जाएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना, इंटू टी की वैल्यू कितनी है 298 केल्विन लॉग V फाइनल। देखिएगा V फाइनल कितना है आपके यहाँ पर 20/10, तो ये कट जाएगा लॉग 2 हो जाएगा। अभी अपन इसको सोल्व करते हैं तो अब देखिएगा मोल से मोल कट जाएगा, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, ठीक है ना। और अब क्या बचेगा यहाँ देखें तो अपन -2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 और जूल बचेगा बस खाली इंटू 298 और यहाँ लॉग 2, ठीक है, लॉग 2 बचेगा और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इन सभी को यदि हम मल्टीप्लाई करें तो अधिकतम कार्य W max बराबर माइनस यह आएगा आपके 3434, अगर सबको हम इसको मल्टीप्लाई करें 3434.921 जूल। अब इसको हम किलो जूल में चेंज कर लेंगे तो 1000 से हम इसमें भाग दे देंगे तो किलो जूल में क्या जाएगा -3.434 किलो जूल। ये जो होगा अधिकतम कार्य होगा जो कि नाइट्रोजन गैस के द्वारा किया जाएगा जब नाइट्रोजन 10 लीटर से 20 लीटर तक प्रसारित होती है। तो देखो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। गैस को इसी भी दे दिया जाए, टेम्परेचर आपको 25 27 कुछ भी दे दिया जाए, वॉल्यूम आपको दे दिया जाए 10 लीटर से 20 लीटर या 2 लीटर से 4 लीटर या 5 लीटर से 10 लीटर, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करके हम W max का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम संपीड़न का कार्य भी ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।